दोस्तों, डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। आज हम बनाने वाले हैं मटन। मटन करी बनाने वाले हैं। मैंने आधा किलो मटन लिया है और मसालों में मैंने लिया है बड़ा चम्मच जीरा, छोटा चम्मच शाह जीरा, दो चक्रफूल के दो फूल लिए हैं, कली लिया है मैंने, उसे तोड़ कर ले लिया है, चार लौंग है, चार छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, ये दो छोटा तेज़पत्ता लिया है मैंने, ये जायफल है, ये जायफल का फूल है जावित्री, और कुछ दाने मैंने काली मिर्च के ले लिए हैं, दो बड़ा चम्मच मैंने धनिया लिया है साबुत, और ये कुछ मिर्चें लिया है मैंने। तो सबसे पहले मैं इन सारे मसालों को थोड़ा सा सेक लूँगी कढ़ाई में। सबसे पहले धनिया को सेक लेते हैं। बहुत लाल नहीं सेकेंगे हम, सिर्फ गरम करेंगे। बहुत ज़्यादा लाल सेक देने से क्या होता है कि इसका जो ऑयल होता है, नेचुरल ऑयल जो होता है, वो जल जाता है। धनिया हमारा गरम हो गया है। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई को रख दिया था ताकि वो धीरे धीरे गरम हो जाए। देखिए, धनिया हमारी गरम हो गई पीसने के लिए, और ये सारे मसाले डाल देंगे हम, इन्हें भी सेक लेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये सारे मसाले मैं सील बट्टा पे पीसूंगी। सील बट्टा पे पीसने से जो स्वाद आता है ना, वो तो आप जानते ही हैं कि कितना टेस्टी बनता है। ये भी गर्म हो गए और गैस को ऑफ कर देते हैं। कढ़ाई हमारी गरम है तो ये मिर्च हमारा सिक जाएगा उतने में। दोस्तों, अब मैं क्या करती हूँ कि सारे ये जो मसाले हैं, ये मैं सील बट्टे पे पीस कर तब मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, मसाले मैंने पीस लिया है, और इसी समय मैं ये तीन प्याज, तो एक बड़ा साइज है ये और दो छोटा साइज, ये मैं रखूँगी तड़के के लिए। दो प्याज, एक बड़ा और एक छोटा, मीडियम साइज का है ये, ये मैं लूँगी पेस्ट बनाने के लिए। ये लहसुन लिया है मैंने, एक डली पूरा बड़ा लहसुन था वो छील लिया है, और ये एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। इन तीनों का हम पेस्ट बनाएंगे और ये तड़के के लिए रखेंगे। तो मैं पेस्ट पहले बना कर तब आपको दिखा। प्याज को काट लिया है मैंने और मसाले भी पीस लिया है। ये देखिए, सारे मसाले तैयार कर लिया है और अब बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, गैस को मैंने ऑन कर लिया है और प्रेशर कुकर कर रख दिया है, क्या कहते हैं, तेल डाल के गर्म होने के लिए। और तड़के में मैं डाल रही हूँ ये दालचीनी, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने तड़के में यूज़ किया है। आधा छोटा चम्मच जीरा है, दो लौंग है, एक ये इलायची है, और चार से पाँच काली मिर्च है, दो तेज़पत्ता, सब डाल देंगे। इसी समय जो प्याज मैंने काट लिया था वो भी डाल देंगे। एक बार चला देंगे और प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे। देख लेते हैं प्याज हमारा ब्राउन हुआ है या नहीं। प्याज अभी कलर चेंज नहीं किया है, अभी हम और भूनेंगे। प्याज हमारा लाल हो गया है, ब्राउन कलर हो गया है, कलर चेंज हो चुका है, और इसी समय हम डाल देंगे ये पेस्ट जो हमने बनाया था। पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि तेल ना छोड़ दे। पेस्ट हमारा तेल छोड़ चुका है, तो इसी समय पे हम डाल देते हैं। ये लिए हैं मैंने
आधा छोटा चम्मच तीखा लाल, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल और आधा छोटा चम्मच ये हल्दी पाउडर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा घोल बना देंगे। डाल देंगे जो मसाले मैंने पीस लिया था वो भी डाल देंगे। दोस्तों एकदम देसी स्टाइल बनाया है मैंने, देसी तरीके से, बाहर से कुछ भी नहीं, कोई क्रीम नहीं, कोई दही नहीं, काजू या किसी चीज़ का अलग से पेस्ट नहीं लिया है, एकदम देसी तरीके से बनाया है और बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। मसालों को भी हम पकने देंगे तेल छोड़ने तक, ढक देते हैं, देख लेते हैं मसाले हमारे पके हैं या नहीं। मसाले पक रहे हैं, तेल भी ऊपर आ गया है, तो इसी समय हम डाल देंगे अपना मटन। 500 ग्राम मटन है ये, यानी कि आधा किलो। डाल कर अच्छे से चला लेंगे, थोड़ा सा प्रेशर कुकर को मैं टेढ़ा कर लेती हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। और मसालों के साथ मटन को भी हम पकाएंगे कम से कम 10 मिनट अच्छे से, ढक देते हैं, देख लेते हैं। मटन भी हमारा पक रहा है, इसी समय डाल देंगे हम नमक स्वाद के अनुसार। और एक बार चला लेंगे अच्छे से, मटन हमारा तेल छोड़ चुका है पकते हुए। और अब मैं पानी डाल देती हूँ, ये मसाले वाला पानी डाला है मैंने। पानी आप अपने हिसाब से रखें, कम या ज़्यादा, मैं थोड़ा और डालूँगी। थोड़ा सा और डालूंगी और कम से कम 7 से 8 सीटी हम लगाएंगे ताकि मटन हमारा अच्छे से पक जाए। दोस्तों प्रेशर कुकर की सीटी आ चुकी है और ठंडा हो चुका है, सीटी अपने से निकल चुकी है, मैंने इस तरह से वेट वेट नहीं किया है। देख लेते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया पका है और मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। दोस्तों मैंने निकाल लिया है और थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर देते हैं। ये रेसिपी बिल्कुल सिंपल और घर के मसालों से मैंने बनाई है, आप बनाइए और इस ठंड में इस रेसिपी का मज़ा लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।